हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पहले आप ये देखिएगा, फिर उसके बाद में मैं रूटीन शेयर करूँगी सारा कुछ। तो ये जो सामने शादी हुई थी ना दीदी के यहाँ, मैंने बताया था, शादी भी शेयर करी थी, महिला संगीत भी शेयर किया था। तो आज आए यहाँ पे आए हुए हैं किन्नर। कहते हैं कि बिना इनके आशीर्वाद के शादी नहीं फलती है। तो ये लोग आए हुए थे, कहते हैं इनका आशीर्वाद, इनकी दुआ बद्दुआ सब लगती है। तो ये दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने हैं। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। यहाँ इनसे हो रही थी इनकी कुछ बातें। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं सब लोग। तो चलिए, नाच गाना सब हो गया, आपने देख लिया। पता है, बड़ी मुश्किल से 11,000 रुपये में माने थे, नहीं तो 21,000 रुपये माने। जब ये बताया था कि नहीं भाई, इनके फादर नहीं हैं और बच्चे हैं, तो फिर जाके भी एक से देखिए, ऐसे भी नहीं होते, ये लोग समझदार भी होते हैं। जब इन्होंने प्यार से उनको समझाया कि देखिए ऐसे जिद नहीं करते हैं, पड़ोस में रहते हैं हमारे में, तो जान पहचान भी सब लोगों की है।
तो इस वजह से ये लोग मान गए थे। फिर अब यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ, ये अष्टमी वाला दिन है और मैं अब धो रही हूँ अपने कपड़े। ये शाम का है यानी दोपहर का, दोपहर तक मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया ही था और उसके बाद का ही है, खाने पीने के बाद फिर मैंने धोए थे कपड़े, बाद में ही धोए थे जब पूरे से फ्री हो गई थी काम से, तो तब उसके बाद मैंने, और ये सारे कपड़े मैंने मशीन में ही डाल दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ ना पूजा से पहले श्राद्ध में, जैसे श्राद्ध में भी पूजा से पहले, नवदुर्गम पूजा से पहले नहीं धोए जाते हैं कपड़े, इसलिए मैंने पूजा करके डाल दिए थे मशीन में, फिर धुल गए थे, तब तक मेरे सारे काम हो गए थे। फिर अब बस मैं पानी में निकालना रह गया है तो वो निकाल देती हूँ। गाइस देखिए मेरी नई रेसिपी, मैंने बताई थी और अब मैं ऐसे खाऊंगा। तो ये देखिए राघव ने बताई है नई रेसिपी। इसका मन कर रहा था मम्मा टमाटर को भून के उसका छिलका उतार के और काला नमक डाल के, इसको एक मैंने दिया, इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने अंदाजे से बता दिया। तो अभी ये टमाटर मैंने इसके लिए भूना है, इसका छिलका उतार के, नहीं मेरे लिए नहीं आप सबके लिए भी। ऐसे देखो ऐसे रखो तो उस पर और फिर नमक फैलता है ना, मजा आता है। ये देखो ये है टमाटर, इसको मैं काटूंगी ऐसे चार पीस में, ये देखिए ऐसे, और हाँ और काट पूरा ना इसको वो नहीं करूंगी मैं, ये देखिए इस तरीके से फ्लावर जैसा लग रहा है, फ्लावर बन गया, पुष्प नाम से फ्लावर। इसमें जाएगा काला नमक, इस पर डाल दो, ये देखो तो जाएगा काला नमक, और ये राघव हमारा ले रहा है कागज में बिल्कुल मार्केट की तरह, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जा खा ले, और ये ले इसको भी लेना, इसको इसमें टेस्ट है, खा लेना इसको चाट लेना। तो जी बस अब मैं बना रही हूँ फलार, तो आज मैं बना रही हूँ सिंघाड़े का हलवा ही कहेंगे इसको, या फिर आप कतली भी कह सकते हैं। तो वैसे बहुत से लोग उसको ऐसे कच्चा बना देते हैं लेकिन मैं भून के बनाऊंगी, मैं फर्स्ट टाइम आज ट्राई कर रही हूँ कतली जो होती है। तो मैंने यहाँ सिंघाड़े का आटा लिया है एक कटोरी, और यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर ली है घी लगा करके, और इसमें मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला है, हलवे में तो ज़्यादा घी की ज़रूरत रहती है, इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने इसको भून लिया है थोड़ा सा, मतलब इतना भी कम नहीं है, घी ठीक ठाक है। भून के बाद फिर मैंने इसमें किया है पानी, और पहले दो कटोरी पानी किया है, पानी करने के बाद इसको अच्छे से मैं घोल दूंगी जिससे कि इसमें लम्स ना रहें, गैस को मैंने बंद कर दिया है, और फिर उसके बाद मैं इसमें एक कटोरी पानी और डाल दूंगी और उसके बाद जला देंगे हम गैस। अब इसको हम पकाएंगे अच्छे से, फिर इसमें चीनी भी ऐड करनी है। तो यहाँ ये चीज़ ना मैं आपके साथ में पहली बार, आपके साथ में क्या, मैं खुद ही पहली बार बना रही हूँ ये कतली जो है। वैसे हमारे यहाँ हर उस पर शिवरात्रि पे कतलियाँ ही बनती हैं, और ज़्यादातर गांवों में हमारी तरफ तो ये हलवा नहीं जानते थे सब लोग, कतली ही बनाते थे घोल के और फिर पता नहीं कैसे। यहाँ थोड़े से मैंने इसमें बादाम कूट के डाल दिए हैं, और जब देखिए पूरी तरह से ये पक गया है तब मैंने थाली में इसको कर दिया है। तो इसको ना मतलब जम तो गए थे लेकिन ठंडा होने के लिए कम से कम एक दो घंटे तो कम से कम चाहिए रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने, तभी अच्छे से जमते हैं। तो मैंने उसको रख दिया है वहाँ पे कूलर की हवा में कि ठंडा हो जाए, क्योंकि पहले मैंने फलार बना रही हूँ फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी किचन जो है साफ थी, मैंने कहा पहले फलार, क्योंकि फिर किचन को साफ़ करके फिर बनाती तो बहुत टाइम हो जाता। तो अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं कूटू की पकौड़ियाँ, तो इसमें मैंने कूटू का आटा ले लिया है और आलू बॉयल थे, बॉयल आलू काट लिए हैं, एक हरी मिर्ची काट ली है, क्योंकि इसमें ये रहता है ना कि मम्मी की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने सिंघाड़े का बनाया, क्योंकि मम्मी को गर्म चीज़ नहीं खाई जाती, जैसे कूटू गर्म होता है ना, तो फिर बोली कि पकौड़ियाँ बना ले, नहीं ये तो कह रहे थे पूड़ी सब्जी की, मैंने कहा आप तो व्रत हो नहीं, पूड़ी सब्जी में मम्मी को परेशानी होती है, तो यहाँ पर पकौड़ियाँ ये है कि दही से खा लेंगी वो, और इसीलिए मैंने सिंघाड़े का हलवा भी बना दिया है। तो सिंघाड़े का हलवा ठंडा होता है इसीलिए मैंने बनाया, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ना इसमें क्या नमक मिला दिया है, काली मिर्च मिला दी है, और इधर ऑयल गरम करने रख दिया है, और यहाँ ज़्यादा मैंने बैटर को पतला नहीं किया है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ऐसा रखा है कि अच्छे से आलू में कोट हो जाए जो है क्या बोलते हैं उसको सिंघाड़ा सिंघाड़ा नहीं सॉरी कुट्टू का आटा, और ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या रेसिपी चाहिए करना, सब लोग जानते हैं बनाते भी हैं। तो आज मैंने कोई खास चीज़ नहीं, वैसे मैं सोच रही थी आज एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए, फिर मैंने सोचा कि यार ये जाएगी ये जो है वीडियो जाएगी नवमी वाले दिन तो फिर फ़ायदा क्या है। तो यहाँ मैंने दही लगा दिया है और खीरा काट दूंगी मम्मी के लिए, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें ये रहती हैं साथ में तो फिर नुकसान नहीं करता है कूटू ऐसे। तो यहाँ मैंने साथ में खीरा भी काट दिया है, दही ले लिया है, और जो है सुबह के जो आलू फ्राई करे थे वो भी हैं, और यहाँ हमारी देखी पकौड़ियाँ भी तल गई हैं,
और उबले आलू से क्या रहता है ना कि जल्दी हो जाती है, और कच्चा आलू जैसे हम डालते हैं तो कच्चे आलू में थोड़ा पकाने में टाइम लगता है, धीमी आंच पे उसको सेकना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर आ गया है, मैंने लगा दी है यहाँ प्लेट। तो पहले ये भोग लगेगा, हलवा भी रख के, आलू भी इसमें मैं बाद में रखूँगी, पहले इसका भोग लगा के और फिर उसके बाद में मम्मी को दूंगी। तो मैंने कहा पहले मम्मी खा लें, फ्री हो जाएँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी सब लोगों के लिए, क्योंकि कृष्णा, राघव, पापा, भैया, ये 5 लोग तो हैं ही खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अभी हलवा जो थोड़ा सा पीछे का रह गया था वही रख दिया, क्योंकि वो तो ठंडा हुआ नहीं, मैंने पहले इसका भोग लगा देते हैं। तो चलिए बस इसको तैयार करके और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ देखिए पकौड़ियाँ सिक गई है, मैं आपको दिखा रही थी, और कूलर इतना तेज़ आवाज़ कर रहा था कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरी, फिर मैंने यहाँ वॉइस ओवर ही किया है। तो ये देखिए प्लेट लग गई है, ये हलवा, सब्जी, खीरा, दही और पकौड़ियाँ। तो बस मैंने मम्मी को दे दी, उसके बाद फिर मैंने बनाया खाना सब लोगों के लिए, रोटी और सब्जी, और उसके बाद फिर रह गए हैं बर्तन। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन, ऐसी चीज़ों में क्या मतलब, दो दो तरह का वो बनता है तो बर्तन बहुत हो जाते हैं, और बर्तनों का तो पूछो ना, पूरे दिन सिंक कभी आपको खाली मिलेगा ही नहीं, कितना भी आप दोपहर में साफ़ करके लेटो भरा मिलता है, क्योंकि बच्चे कभी पानी, कभी कुछ, कभी करते रहते हैं, कभी कुछ बना लिया बीच में, तो वही। तो बस यहाँ बर्तन साफ़ करके सिंक को साफ़ कर रही हूँ, अभी स्लिप साफ़ करना रह गया है। कल के लिए भी मुझे चने वगैरह भी डालने हैं अभी, क्योंकि कल की तैयारी भी करनी है 9वीं की। तो यहाँ पे मुझे आज टाइम हो गया था 10:30 करीब बज गए थे, 10:30 ही टाइम हो गया था हाँ, तो खाना पीना कर करके सब। तो बस अब मैं यहाँ पे लगी हूँ अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन वो हलवा खदकता है ना, तो बहुत गैस गंदी हो गई थी, तो मैंने पहले इस पर पानी डाल दिया था मैंने, कि जैसे कि गलना जो होती है ना, जो हलवा वगैरह के निशान वो अच्छे से फूल जाए, फिर किचन आसानी से साफ़ हो गई थी, मैंने बर्तन साफ़ करने से पहले ही डाल दिया था। तो यहाँ पर किचन साफ़ हो गई है, और यहाँ मैं निकाल रही हूँ इसमें से चने, तो चने डाल दूंगी, और चने में ज़्यादा से डालूंगी, क्योंकि देखिए बच्चों का पता नहीं है, कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कभी कभी कम भी मिल जाते हैं, अब कल का कल देखा जाएगा कितने मिलेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल, पहले मैंने जग में सोचा कि जग में डाल देती, लेकिन जग में फिर मैंने देखा कि नहीं, फूल के फिर नहीं आ पाएंगे अच्छे से, तो मैंने कुकर में ही रख दिया है इसको, छोटे वाले कुकर में, तो अच्छे से फूल जाएंगे। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ भोग के लिए दूध, क्योंकि पापा बैठे हैं इंतज़ार में, और भगवान जी बैठे हैं अभी हमारे ठाकुर जी, और उसके बाद फिर मेरे हो गए थे सारे काम ख़त्म। और अब मैं बैठ गई हूँ कूलर में, आराम से पसीना सुखा रही हूँ, मुझे इतना गर्मी लग रही थी, इतना पसीना आ रहा था, और मैंने भी फलार कर लिया था सबको खाना खिलाने के बाद, फिर मैंने फलार किया, उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, और यहाँ बैठ गई हूँ, और राघव देखो मुझसे चिपका हुआ है, और यहाँ मैं कुछ गाना गुनगुना रही हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बिना, मैं कूलर को बंद करके और मैं आप वीडियो एंड कर दूं, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कहा नहीं है, बस अभी नहीं मेरी दम की बात, अब तो मैं ऐसे ही वॉइस ओवर में वीडियो एंड करूंगी। तो यहाँ मैं बहुत ही प्यारा से गाना गा रही थी, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, ये वाला मैं गाना गा रही थी। तो यहाँ पे चलिए अभी इस वीडियो को आज मैं एंड करूँगी, और वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी ऐसे ब्लॉग देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल जाए। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।